नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल में YouTube स्टूडियो में डार्क मोड ऑप्शन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, YouTube में ऑन कर सकते हैं डार्क मोड, और क्रोम ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, और अंत में अगर देखा जाए तो हम इसे फाइल मैनेजर में भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि डार्क मोड ऑन रखने के दो फायदे हैं। एक तो आपकी आँखों पे इसका लाइट का, मोबाइल की लाइट का रिफ्लेक्शन कम पड़ेगा, दूसरा आपकी बैटरी में भी बचत होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने, ये मैं MI 4i का एक मोबाइल चला रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ फाइल मैनेजर में जाता हूँ, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए 3 लाइन आ रही हैं, इन पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डार्क मोड डी ऑप्शन आ रहा है नीचे, और इसे यहाँ से ऑन कर दीजिए। ये देखिए सब कुछ डार्क मोड में लग गया है ना, फ़ायदा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए YT, इसे हम यूट्यूब स्टूडियो बोलते हैं, इसे भी मैंने ऑन किया, और ऑन करने के बाद ये देखिए ऑन हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए वाइट आ रहा है सारा, और ये सारा ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे डार्क थीम लिखा रहा है ना, अपेरेंस के नीचे डार्क थीम लिखा रहा है, इसे यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखिए ये सारा ब्लैक हो गया। ये देखिए अब सब ब्लैक आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा है ना ऑप्शन। दूसरा ये हो गया। तीसरा, चलिए अब अपने यूट्यूब में चलते हैं। यूट्यूब में यहाँ मैंने इसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद मैं देखिए ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर मेरे को साइड में या कॉर्नर में क्लिक करना है, और यहाँ कॉर्नर में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डार्क थीम लिखा रहा है, जैसे ही यहाँ पे इसको आप ऑन करेंगे यहाँ से भी ये सारा बैकग्राउंड जो है अब ब्लैक हो गया। अब ये सब कुछ ब्लैक ब्लैक आएगा, देखिए है ना मज़ेदार चीज़, ये ब्लैक हो गया। आ गया एक लास्ट, जो इसे हम क्रोम ब्राउज़र बोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप चलाते हैं क्रोम ब्राउज़र तो यहाँ पे डार्क थीम नहीं रहता। यहाँ पे भी ऑप्शन है ऐसे ही ऑन करने का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। करना कुछ नहीं है, आपको अपने यहाँ यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। मेरा देखिए यहाँ यूट्यूब लिखा हुआ था, और यूट्यूब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, लेकिन पहले पेज खुल जाए। खुल गया पेज, और यहाँ थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर हम टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करेंगे अपने चैनल के आइकन पे, और यहाँ पे देखिए अभी इसे एक मिनट के लिए हटा दीजिए। फिलहाल यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। पहले 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लीजिए पहले। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपको ये काम करना है। अब आपका ये पेज खुल रहा है, और जैसे मेरा ये पेज खुल जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये जूम हो गया, और इसके बाद मुझे यहाँ पे अपने टॉप राइट कॉर्नर पे चैनल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे चैनल वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो एक पेज खुल जाएगा पूरा सेटअप का, और यहाँ पे देखिए फिर से एक ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे आ रहा है डार्क थीम, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पूछने लगा यहाँ से आपको ऑन करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए सॉरी ये मेरे से अनक्लिक हो गया, ये मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ब्लैक हो गया, अब सब कुछ मेरा ब्लैक ब्लैक आएगा यहाँ पे भी। ये देखिए ऊपर नीचे सब जगह पूरा ब्लैक हो गया। इसमें बैटरी की भी बचत है, साथ में आपकी आंखों पे भी इसका रिफ्लेक्शन कम पड़ेगा।